नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बहुजन विकास आघाड़ी इस समय काफी परेशानियों से जूझती दिखाई दे रही है। जैसे कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बहुजन विकास आघाड़ी के दूसरे नंबर के नेता राजीव पाटिल पार्टी को छोड़ने वाले हैं। हमने भी खबर चलाई थी, आपने देखा है। राजीव पाटिल पार्टी का साथ छोड़ेंगे या पार्टी में रहेंगे, इस बात का आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन उसके बीच आज एक खबर जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं वह भी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल आज बहुजन विकास आघाड़ी की महिला नेता मनीषा ताई निमकर ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और मनीषा ताई निमकर अब शिवसेना शिंदे गुट में जाकर वहां शिंदे गुट की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। आज सुबह मनीषा ताई निमकर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची, वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। आपको बता दें कि मनीषा ताई निमकर एक पुरानी और मंजी हुई नेता है, जो कि पिछले दशकों में शिवसेना के टिकट पर विधायक तीन बार विधायक चुनी जा चुकी है, साथ ही साथ राज्य मंत्री भी रह चुकी है। और पहले के समय में मनीषा ताई निमकर शिवसेना में थी। बाद में मनीषा ताई ने पालघर अंतर्गत अपने इस परिक्षेत्र को देखकर बहुजन विकास आघाड़ी में पक्ष प्रवेश किया। हालांकि 2019 में मनीषा ताई के बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चा भी उठी थी, लेकिन फिर 2019 विधानसभा चुनाव के बाद ये बात साफ हो गई कि मनीषा ताई निमकर बहुजन विकास आघाड़ी में ही है। और उन्होंने सभापति जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें वो भी अभी विद्यमान में सभापति थी। तो आज मनीषा ताई निमकर ने अचानक से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर वहां मुख्यमंत्री के हाथों शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया। कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा झटका बहुजन विकास आघाड़ी को कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं राजीव पाटिल के बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ने और भाजपा में जाने की चर्चाएं काफी गर्म है और ये मामला पूरे वसई विरार में सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ मनीषा ताई भी जब पार्टी से अलग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पालघर जिले में दमखम रखने वाली बहुजन विकास आघाड़ी को बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे मनीषा ताई निमकर के पार्टी छोड़ने की, अब इसका असर कितना पड़ता है पार्टी के ऊपर, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ये दावा कर रहे थे कि 3 सीटें हम चुनकर लाएंगे, चौथी पांचवी कैसे आएगी उसका मैं अपने प्रयास कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी पिछली खबर में भी ये बताया था कि बहुजन विकास आघाड़ी की राह इस समय बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है और जिस तरह से पार्टी से पलायन शुरू है, कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ऐसी ही खबरों पर हम बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आने वाले चुनाव तक क्या कुछ राजनीतिक माहौल बदलता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।